हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंडियन इन चाइना फैमिली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई, अपना भाई, योगा टीचर अभी भारद्वाज, हिमाचल प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हैप्पी मिड ऑटम फेस्टिवल। आज जो चाइना में फेस्टिवल है उसको कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे अपने इंडिया में होता है किसी त्योहारों पे मिठाइयाँ शेयर करते हैं ना, तो यहाँ पे भी चीन में जो है मिठाइयाँ ही शेयर की जाती है। घर की साफ सफाई करते हैं, वो हमने भी थोड़ी बहुत की है। तो यहाँ पे रिश्तेदार तो हमारा है नहीं कोई भी, तो भाई ये देखिए इनको बुलाया हमने, अपने अपने रिश्तेदारों को, मुस्कान को इनवाइट किया है, विपुल भाई को इनवाइट किया है, और यहाँ पे भाभी आपकी योगिता जो कि यहाँ खाना बना रही है। हेलो योगिता, से हेलो टू माय फ्रेंड्स। हेलो, ये हेलो। और यहाँ पे देखिए एक उत्तर प्रदेश से, हमारे यहाँ गोरखपुर से महान, एक हमारे अयोध्या से हमारे डॉक्टर साहब हैं जो कि अभी यहाँ पे चाइना की चांगचू सिटी में काम करते हैं, इनको बुलाया। तो आप हमारे सब्सक्राइबर को हेलो कर दीजिए। हेलो, नहीं ऐसे वाला हेलो, हेलो हेलो फ्रेंड्स, है ना। तो ये भी नहीं, आप उनको नी हाओ भी बोल सकते हैं, डॉक्टर साहब ने चाइनीज में नहीं बोल रहा, नी हाओ ठीक है। अपने बंदों को नहीं हाउ नहीं बोलेंगे हम। तो वीडियो का एंड तक देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चाइना का पूरा फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट होता है इस वीडियो में देखिए। आई लव चाय वेरी मच। तो यहाँ पे देखिए भाभी आपकी, एवरी टाइम आई वेंट टू, आई गो टू द होम टाउन, his hometown, Indian hometown. Yes, I will ask mommy give me so much, this much. Big one. Only oh. Not small, like this small. Just the oh. Finish, huh? Yes. भाई जब भी घर जाती है ना मेरे गांव में, तो वो स्टील का जो बड़ा वाला गिलास होता है उसमें मांगती है ये चाय मेरी मम्मी से, बड़ा वाला गिलास चाहिए इसको, सबसे बड़ा। उसमें इसने जो है इलायची भी डाली। अब आपको बताऊं इसकी करामात बताऊं, इलायची जो होती है ना हम हाथ से ऐसे फाड़ के डाल देते हैं, इसने इलायची का जो है ना ऑपरेशन किया है, कैंची से वो इलायची को ऐसे काटा है फिर डाला है। तो ये भाई चाय बन के तैयार हो रही है दोस्तों, और आपकी भाभी योगिता की सबसे फेवरेट है चाय। गुड 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 लक, गुड लक, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड जॉब, गुड जॉब। और ये यहाँ पे बर्तन धोते हुए बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग वुमेन, हार्ड वर्किंग वाइफ। क्या कह रहे हो? मैं पीऊंगा। हैं? मैं पीऊंगा। तो पहले कैसे बोल, चाय नहीं पीऊंगा? नहीं, गलती होगी भैया हमारे से। नहीं, अब ये भरा कप है जो आधा कप है मिलेगा, ये सारा पीना पड़ेगा। मैं पीऊंगा भी, मैं पीऊंगा। हाँ, नहीं तो योगिता ने इतनी मेहनत से बनाई है, डांट पड़ेगी। यस। आप क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो, चाय पियोगे नहीं पियोगे? हैं? मुस्कान मुस्कान ऐसा ऊंटा डाल के बोल, नहीं नहीं मैं पी लूंगी। चलो भाई बढ़िया यार। नहीं ये जैकेट मुझे अच्छी लगी यार मुस्कान की, ना देख लो दो बन गए। अच्छा भाई कह रहे हैं इसमें दो बन सकती है जैकेट, एक मेरे लिए हो जाएगी। जैकेट थोड़ी स्लीपिंग बैग है भाई। नहीं अभी बिफोर शो नहीं, वो अगर आए वो ऐसे का थीम हो जाता था, नहीं हाँ ऐसा नमन भारत पे हम यांग। तो हमारे सब्सक्राइबर्स की भी डिमांड है भैया पिक्चर क्वालिटी अच्छी करो, है बहुत बार मैसेज आया मुझे, कमेंट इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, रवि भैया थोड़ी सी क्वालिटी और अच्छी हो सकती है। मैंने कहा यार देखो मेरे पास 11 प्रो मैक्स है, जिस दिन थोड़े व्यूज अच्छे आएंगे आप लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट क्या करना है, वीडियो पे लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। जब वीडियो पे आप देखते हो हमारी वीडियो तो आपका सपोर्ट हम तक पहुंचता है, जब वीडियो को शेयर करेंगे उनके फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप में, तो उनका सपोर्ट भी हम तक पहुंचेगा। तो सबका सपोर्ट हमें पहुंचेगा तो व्यूज अच्छे आएंगे, तो हमें पैसा अच्छा आएगा, थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो भैया हम भी आईफोन ले लेंगे और उससे वीडियो बनाएंगे, पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो ही जाएगी। अब मुस्कान का भी यूट्यूब चैनल, मुस्कान क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का, जोर से बोलो जरा। ट्रैवल विद मुस्कान। अब उसके चैनल पे तुम जाओगे सब्सक्राइब करोगे, उसका 2-4 साल बाद मोनेटाइज हो ही जाएगा, जब भी होगा जितनी मेहनत करेंगे। 2-4 साल बाद तो प्लान है। घंटे पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, ये लोग देख ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूं? हाँ। So guys, हम पूरा इंडियन फैमिली आज जो चाइनीज फेस्टिवल पे खाना बनाएंगे इन चाइनीज हॉट पॉट, और उसके लिए जो है हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। क्या बोलते विपुल भाई? हाँ जी चलेंगे। हाँ, चलो हॉटपॉट की शॉपिंग करने। हाँ, अभी हॉटपॉट बनाएंगे, उसके लिए जो सामान लगता है घर पे तो उसको लेने के लिए हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखते रहो वीडियो में, तो आपकी भाभी योगिता बनाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये पार्किंग है, ये क्या है, कार पार्किंग है।
तो ये देखिए, ये हमारे रिश्तेदार, हमारे क्या कहते हैं अपना इंडियन परिवार, हम सभी जो है शॉपिंग के लिए जा रहे हैं आज। तो बाहर कुछ सब्जियां लेके आएंगे और आज शाम को हॉट पॉट बनाएंगे हम। से हाय टू माय सब्सक्राइबर्स। खुशी दिखनी चाहिए, खुशी, खुशी, व्हाट इज खुशी, हैप्पीनेस। मैं है ना, ऐसा दिखना चाहिए यार कि आप खुश हो यहाँ पे रह गए। मुस्कान से काम चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्कान, आपका तो नाम ही मुस्कान है। खुशी तो कहाँ मिलेगी, मुस्कान हमारे पास है, मुस्कान से काम चला लो। ये देखो दोस्तों, चाइना में रोड पे हर जगह पे ऐसा रहता है जहाँ पे कि कभी भी अगर आग लगती है, कुछ भी होता है सोसाइटी में, तो जो भी ट्रक है पानी यहाँ से फायर ब्रिगेड वाले भर के लेके जाते हैं एकदम से। यहाँ सोसाइटी के बाहर हर जगह ऐसे ऐसे फूल लगे मिलते हैं भाई, बिल्कुल रंग बिरंगे फूल, बहुत अच्छा लगता है देख के। हर जगह पे जो है चाइनीज फ्लैग्स लगे मिलेंगे आपको, और होने चाहिए। मुझे एक चीज है, मतलब इंडिया में गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि इंडियन फ्लैग ना हर जगह लगे। तो गवर्नमेंट हर घर तिरंगा, हर घर, हाँ होना चाहिए। एक भारतीयता वहां से प्रतीत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बड़ी गाड़ी वाले ने छोटी गाड़ी को चिपका दिया वहां पे, ठोक दिया शायद, और वहां पे फंस गई गाड़ी, वो हटा नहीं रहे। चाइना में एक रूल है भाई, जहाँ गाड़ी ठुकती है ना, वो जितनी सी टच हो, देखो दो गाड़ियां रोक देते हैं वहीं पे गाड़ी को, और पुलिस को फोन करते हैं 5 मिनट 10 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर पुलिस आके यहाँ पे इसको सॉल्व करेगी और बताए कि किसकी गलती है। मुस्कान कह रही है सर गीता प्रेस लगी रहा है पैसा। हाँ चाइनीज का है ये। अरे टमाटर 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 भाई, देखो गाँव के देसी टमाटर। ये देखो भाई, गांव के जो आस पड़ोस के लोग हैं कैसे सब्जी बेचते हैं यहाँ पे। हेलो ये देखिए भाई, लोकल सब्जी बेचने वाले, और अंदर जो ये मॉल है भाई, इसके अंदर भी सब्जियां बेचते हैं। देखो इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया भाई इनको कि आप लोग अपना 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 व्यवसाय चला के रखो। ये जितना भी सामान आपको बाहर मिल रहा है ना भाई, सेम चीजें आपको इसी मॉल के अंदर मिल जाएंगी। बिल्कुल दरवाजे के बाहर लोग यहाँ पे अपना माल सेल कर रहे हैं, मॉल वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और ऐसा नहीं कि मॉल वाले, हाँ भाई पुलिस वालों को थोड़ा 150 दे के बोलेंगे डंडे लगाओ भाई, गरीबों को हटाओ यहाँ से, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो सरकार ने अलाउ किया गरीबों को, जो होते हैं गरीब लोग जो गाँव से आते हैं सब्जी लेके कुछ भी लेके, तो अपना जहाँ मन करे खाली जगह दे के बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ये मुझे जो चीन के सरकार का माइंड सेट है सबसे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कि आज गरीब लोगों को ऐसे सपोर्ट करना चाहिए कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट लैंड है अपना आराम से सेल करो, जो गंद वो डालते हैं, गंदगी पड़ती है, वो उसको खुद वो साफ करके जाते हैं। अरे भाई कहाँ चले गए पता नहीं, मेरे बीवी बच्चे कहाँ चले गए, मेरे मित्र कहाँ चले गए। ये देख लो भाई साहब, ये देख लो मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या जबरदस्त यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ पे मीट बेचा जा रहा है, फिश। ये देखिए, ये चाबी बनाने की दुकान है, यहाँ पे चाबियाँ बनाई जाती हैं इस मशीन से। हेलो और यहाँ पे भाई देखो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। अमन ने भी अपना झूला झूल लिया भाई यहाँ पे, एक आरम भी लगते हैं, दो आरम भी। नींद आ रही, नींद आ रही है, सो जाओ। मुस्कान आपको भी नींद आ रही है, हैं? अभी तो हम पूरा हॉटपॉट खाएंगे, अभी कैसे नींद आएगी। ना भाई पता, कभी कभी सोचता हूँ यहाँ पे अगर पूरा तिरंगा झंडा यहाँ पूरे मार्केट में लग जाए तो कैसा लगेगा बताओ देख के। विद्रोह लगेगा सर, विद्रोह। विद्रोह लग जाएगा। हेलो हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ ढूंढना पड़ता भाई, बहुत बड़ा ये है यहाँ पे, तो यहाँ ढूंढना पड़ता है। ये देखो अमन बोल रहा है लेट्स गो, खींच खींच के ले जा रहा है इन दोनों को बाहर। पूरी रेल बना देता है तुम लोगों की है। अमन चाय नहीं भैया खा मई कुछ ही खा था हम से। हेलो योगिता,
चीन में वेजिटेरियन लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, तो भाई देख लो चीन में जो भी वेजिटेरियन लोग हैं, जो प्योर वेजिटेरियन हैं, वो यहाँ देखो आप लोग इजीली सर्वाइव कर सकते हो भाई यहाँ पे, ठीक है। आप अगर इंडिया से आते हो, चावल आपको मिल जाएंगे तरह तरह के, ठीक है, राजमा, मूंगफली, मक्की का आटा, देखो ये गेहूं का आटा भी मिल जाएगा, बेसन, मैदा सब मिलता है भाई, ठीक है, मसाले भी मिलते हैं, जैसा भी ऑयल चाहिए वो भी मिल जाएगा, सरसों का, मक्की का, बादाम का, ऑलिव ऑयल सब मिलता है। सब्जियां देख लो दोस्तों, ब्रोकली ले लो आप या कुछ भी ले लो, सब मिलता है मेरे भाई, लहसुन, प्याज, अदरक, सारी सब्जियां, ये देखो भाई, खीरा, गाजर, मूली, करेला, सब सब मिल जाता है दोस्तों। बार बार एक मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पे, भाई जी मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, कैसे सर्वाइव करूँगा, तो भाई उनके लिए वीडियो दिखा रहा हूँ। तो आप चाइना में अगर आ चुके हो या आने की सोच रहे हो, तो आपके आस पड़ोस में थोड़ा घूमो, इस तरह की सुपरमार्केट आपको आपके आस पड़ोस में देखने को मिलेगी, वेज और नॉन वेज हर तरीके की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। थोड़ा बाहर निकलो घर से, अगर आप चाइना में आ चुके हो ऑलरेडी, तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, सब मिल जाएगा भाई, घर पर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर यहाँ पे स्टूडेंट हो चाइना में, या फिर घूमने के लिए आ रहे हो, या फिर यहाँ पे रह रहे हो, वर्क वीज़ा पे हो, नए हो, तो आपको देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा फुल हर सामान मिल जाता है भाई, कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। जो अगर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन अगर आप हो, तो भी आप लाइफ टाइम यहाँ रहोगे तो भी प्योर वेजिटेरियन आप रह सकते हो। ये लो भाई, अमन ने यहाँ पे जो है केक खरीद लिया है, क्या बात है, दीदी बहुत खुश है, हंस हंस के सेलिंग कर रही है, क्या बात है। अमन पकड़ लो, अमन ने अपना केक खरीद लिया है। आर यू हैप्पी? जोर से बोलो हैप्पी। हेलो योगिता, स्माइल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। कितने प्यारे लोग हैं देखो यार, मुस्कान, ये क्या है पता है आपको? हाँ। क्या है? देसी में बोलो, हिंदी में ही, जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे। ये गन्ना है। गन्ना है और ये गंडा भी है। गंडा भी है। हाँ, ये गंडे, गंडे बोलते हैं इसको देसी में, और गन्ना बोलते हैं हम हिंदी में, और शुगर कैन बोलते हैं अंग्रेजी में, और चाइनीज में बोलते हैं कंच। वही, इतनी सारी भाषा में बता दिया मैंने, देखो है कितनी भाषाएं आती है मुझे। अभी अभी अपने फोन का कवर लगवाया भाई मैंने यहाँ से, ये देखो, ठीक है, तो ये कवर जो है मुझे मिला है 20 RMB का। ओके ओके, समझ रो अमन, क्या खा रहे हो आप? केक। केक है, कहाँ है वो? चम्मच मत खा, चम्मच खा गया, चम्मच खा गया, केक खाना होता है बेटे, चम्मच क्यों खा रहा है? ये देखो यार, चम्मच ही खा गया, थूकर 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 थू, चलो ठीक है, हो गया हो गया हो गया। वो में से हिंदू दा, ए हिंदू दा, मजा आ रहा है? पता हो भाई, हम घर जा रहे थे, अमन ने कहा कि अभी गाड़ी को यहाँ पे रोक दो, मुझे यहाँ पे केक खाना है। हाँ महाराज, खाना खाएंगे। अच्छा, मुस्कान टांगी भी दोबारी महाराज की। ये देखो प्रजा, कितनी अच्छी प्रजा है। महाराज को हवा लगाई जाए, हवा लगाओ भाई, विपुल भाई हवा लगाओ। हेलो गाइस, ये है देखिए चिल्ड्रंस स्कूल, ठीक है, नर्सरी वाले बच्चों के लिए है। आप जो है 0 से लेके 3 साल के बच्चे को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, और फीस मुस्कान 60,000 rupees यहाँ की फीस है, 60,000। हम खोल लेते हैं, हमारे फ्लैट पे भेज देना। नहीं, फ्लैट पे नहीं आते ना वो, फिर हाँ साइड हो जाओ, गो गो गो, अमन साइड हो जाओ, साइड फिर जाओ, गो गो हो जा। 65,000 rupees पर मंथ के हिसाब से फीस हो, फीस है भाई पर मंथ की, कितना एक्सपेंसिव है यार। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद भाई। 3 साल तक माँ बच्चे को अलग ही नहीं करती ना, मैं अपना आप कर लूंगी जो करना मुझे। यहाँ तो भाई देखो, मतलब 2-3 महीने का बच्चा हुआ, लो इंडिया की लेडीज कितना पैसा बचाती है, दिया करो मैं भी। सही बात है भाई साहब, 65,000 rupees पर मंथ फीस, मतलब आपका बच्चा अगर 3 महीने का है, या 6 महीने का है, या फिर 1 साल का है, या फिर 3 साल तक का, यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो, और मम्मी पापा आराम से बाहर बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, बच्चा जो है पैदा करते ही छोड़ देते हैं यहाँ पे। अमन के स्कूल की फीस देख लो, ठीक है, इसकी अभी स्कूल की फीस मैंने वहाँ पे डाला अपने पास में, तो तकरीबन 40,000 rupees फीस है उसकी महीने की। हाँ,
अमन की गाड़ी हमारे बहुत काम आती है, सारा सामान हम यहाँ लटका देते हैं। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, कहाँ एक्सीडेंट कर रहे हो, इसको चलाना इतना आसान नहीं भाई। देखो देखो लगा पता, ये गाड़ी को चलाना बहुत मुश्किल होता है भाई। ये वाली थोड़ी अलग तरीके की गाड़ी है, ये लेफ्ट मोड़ना तो राइट साइड करना पड़ता है डंडा, राइट मोड़ना तो लेफ्ट। कुकुर 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 कितना क्यूट कुकुर है, कुकुर भाग गया उसको। मैंने कुकुर बोला, मुझे लगा उसको समझ में आ गया, एकदम से मुड़ गया। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी थी, इसलिए मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट टू बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ट्रेन के अंदर जो पत्थर बजाने वाले होते ना, वो आवाज निकालो। देख क्या दिखा रही है, कौन सा पानी बोल रहा है।